फ्रॉम नोवेयर आई लैंडेड इन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. वी हैव समथिंग कि यार कुछ अपना शुरू करना है. अगर जॉब भी करनी है तो जॉब के बाद कभी ना कभी कुछ अपना शुरू करना है. ड्यूरिंग दैट डिस्कशन में लगा यार कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स टेक की तरफ आया जाए. क्रिक्स लैब का आइडिया बेसिकली क्या है कि यू कैन एम्पावर योर क्रिकेट बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी. हमारा बेसिक पर्पस जो क्रिक्स लैब का है एट दी एंड क्या है कि प्लेयर ग्रूमिंग और उन प्लेयर्स को उन सारे स्टेक होल्डर्स को आपस में कनेक्ट करना है. सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स दो डिफरेंट चीज़ें हैं. सर्विसेज में होता है आप काम कर रहे हैं, राइट वे आपको पैसे आ रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट हारून अख्तर आज के फ्रेश एपिसोड के साथ हाजिर है. आज जो हमारे गेस्ट हैं टेक डोमेन से उनका ताल्लुक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्ट फेमस जो स्पोर्ट है स्पेशली उससे रिलेटेड उनकी जो उनका प्रोडक्ट है वो उस डोमेन में है. तो आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और एक्साइटिंग होगा, नॉट ओनली आप लोगों को लर्निंग स्टैंड पॉइंट से और मेरे अपने लिए नॉलेज स्टैंड पॉइंट से भी. तो उस्मान साहिब सर, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम अरुण भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम स्पेयर करने के लिए और आज इस सेशन के लिए हाजिर होने के लिए जनाब. तो क्विकली मैं स्टार्ट करना चाहूँगा डायरेक्टली कि हु इज़ उस्मान एज एन आपका जर्नी फ्राम एजुकेशन स्टैंड पॉइंट, और उसके बाद फिर हम क्विकली जो है वो सीधा सीधा प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं. सो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और कासम अली शाह फाउंडेशन का कि आप लोगों ने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ से वो लोग जिन्होंने स्ट्रगल की है उनको एक रिकग्निशन आप देते हैं, प्लस उनसे वो नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं यंग लोगों को जो लोग आगे इस जर्नी में आना चाहते हैं. तो बैक टू योर क्वेश्चन के हु इज़ उस्मान. बिलोंग्स टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. हाफिज़ाबाद से मेरा ताल्लुक है और वहाँ से वालदैन जो है वो पेशा है फार्मर्स हैं. सो फुल सख्त किस्म का सख्त जान काम, वहाँ से ये शुरू होता है जर्नी. फिर टाट वाले स्कूलों से जो जर्नी होता हुआ गवर्नमेंट स्कूल से डिग्री कॉलेज और देन जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. फ्राम नोवेयर आई लैंडेड इन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड देन आफ्टर दैट डूइंग डिग्री वी हैव समथिंग कि यार कुछ अपना शुरू करना है. अगर जॉब भी करनी है तो जॉब के बाद कभी ना कभी कुछ अपना शुरू करना है. एंड देन आई स्टार्टेड माई करियर फैसलाबाद से डायरेक्ट लैंडेड टू लाहौर, डिड अ नॉर्मल जॉब, यू कैन से जूनियर डेवलपर. एंड देन वन बाई वन करते 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 एक पॉइंट आया कि नाउ आई हैव टू डिसाइड कि मुझे आगे जॉब करनी है या अपना जर्नी शुरू करना है. सो देन मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड नदीम अहतर वो ही स्टार्टेड दिस क्रिक्स लैब एंड वहाँ से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुआ 2017 से. एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन 120 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब और पाकिस्तान की हर सिटी में. सो इस तरीके से एक वो लड़का जो एक टार्ट के स्कूलों से पढ़ के आज इस जगह पे है कि जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन भी है इस सेंस में कि इट डजेंट मीन कि अगर आप हाई फाई स्कूल से पढ़े हैं तो फिर ही आप अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. तो यू कैन स्टार्ट एनीवेयर. अच्छा, क्रिक्स लैब की इनिशिएशन, इसका आइडिया किसके पीछे, क्या मोटिवेशन थी? क्रिकेट लवर थे? या ऑब्वियसली क्योंकि फिर आपने इसमें सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है तो ये दोनों का मर्जर जो है वो किस तरह से इट कम्स. अच्छा, एज यू नो हारून एशियन कंट्री स्पेशली इनके क्रिकेट ब्लड में है. सो आप कोई भी लड़का है लड़की है उन्होंने बचपन में क्रिकेट तो खेली हुई है तो वो तो आपके एक ब्लड में एक चीज़ है. जब क्योंकि हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे तो हमें ये भी था कि कुछ ना कुछ अपना करना है. बिफोर क्रिक्स लैब वी आर वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, कुछ ही शॉप टाइप कॉन्सेप्ट था. बट एक दिन मैं और जो मेरा पार्टनर है हम डिस्कशन कर रहे थे तो ड्यूरिंग दैट डिस्कशन में लगा यार कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स टेक की तरफ आया जाए. और उस स्पोर्ट्स टेक में हमारा एक्सपीरियंस था कि हम ग्राउंड्स में जाते हैं एंड वहाँ पे सब कुछ मैनुअल हो रहा है, वो वाजे लगा रहे हैं भाई स्कोर बताना, ये करना वो करना, तो एक्सप्लोर करते हैं. सो देन 2017 में हमने ये एक्सप्लोर किया, अपने आइडिया को वैलिडेट किया. हमारे जो क्रिकेटिंग कुछ दोस्त थे उनके साथ हमने डिस्कशन की. इधर ही मैं चाहूँगा आपको कि थोड़ा सा आप ये एक्सप्लेन करें कि बेसिक आइडिया क्रिक्स लैब का क्या है. अच्छा, क्रिक्स लैब का आइडिया बेसिकली क्या है कि यू कैन एम्पावर योर क्रिकेट बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी. आपने
यू वॉन्ट टू रिकग्नाइज योर सेल्फ कि आपने पिछले पूरे साल में एज ए प्लेयर क्या किया है, तो आप उससे ये बेनिफिट उठा सकते हैं। जितने भी क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो प्लेयर्स हैं, टीम्स हैं, क्लब्स हैं, अकेडमीज़ हैं, लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्टर्स हैं, इवन आपके बोर्ड्स हैं, PCB, कुवैत क्रिकेट, इस तरह के जो कंट्री लेवल के बोर्ड्स हैं, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स क्रिक स्लैब के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा था, ये सारी चीज़ें डिफरेंट कंपनीज कर रही थी इंडिविजुअल, उसमें कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है, कोई लाइव स्कोर कर रहा है, तो हमने क्या किया, उन सारी चीज़ों को मर्ज किया और एक प्लेटफॉर्म में ला के वो प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया, तो कोई भी बंदा उसके ऊपर आके उससे बेनिफिट उठा सकता है। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, इसमें मैं जो हमारे इस सेशन का एक कोर पर्पज़ भी है कि हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल साइड से भी देखें कि क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उसमें मेजरली यूथ है, जो कि आगे अपने आप को जॉब्स या टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, कल को प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाह रही होगी। तो ये टिपिकली क्वेश्चन उनसे उनके हेल्प के लिए है कि टेक स्टैंड पॉइंट से जो आपकी प्रोडक्ट है वो किस तरह, किस पे बेस करती है, आपने उसको किस एंगल से विजन किया है और फिर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है टेक स्टैक्स जो असल में इस प्रोडक्ट का पार्ट है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। सो वी आर टिपिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो जब हम ये प्रोडक्ट बना रहे थे तो हमारे माइंड में था कि हमने बेस्ट टेक स्टैक इसके अंदर यूज़ करना है, तो हमारी जो 9 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस था जो हमने इंडस्ट्री से सीखा था, तो उसको बेस करते हुए और अपने प्रोडक्ट को देखते हुए कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो फ्यूचर में इसके ऊपर मिलियंस ऑफ यूज़र्स आएंगे, सो हमें ये कीप इन माइंड ऑन स्टार्ट कि हमें एक ऐसा टेक स्टैक यूज़ करना है जो इसके जब भी इसके ऊपर यूज़र्स आएँ तो ऑटो स्केल अप हो जाए, ऑटो स्केल डाउन हो जाए। तो एक्चुअली वी आर ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, वी आर हैविंग एंड्रॉयड ऐप, तो एंड्रॉयड का अपना टेक स्टैक है, जावा, कोटलिन, iOS उनका अपना टेक स्टैक है, स्विफ्ट। उसके बाद बैकएंड की जहाँ तक बात आती है, तो वी आर यूजिंग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। सो इसका माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या होता है कि इफ़ वी आर वर्किंग समथिंग लाइक वीडियो एनालिटिक्स और हमें AI का उसके ऊपर काम करना है, तो उसमें हम पाइथन यूज़ करते हैं। जहाँ पे कुछ डेटाबेसिस हैं, एक्सटेंशन डेटाबेसिस हैं, उसमें हम कहीं पे MySQL यूज़ करते हैं, कहीं पे हम MongoDB यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली अ मर्जर ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजीज इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, डिपेंड्स पर उनके यूज़ कैसे करना है, हमने किस जगह पे क्या फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है। सो एवरी टेक्नोलॉजी जितनी भी इस वक्त है, मैक्सिमम हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। ब्रिलियंट जी, ज़बरदस्त। आपने तो एक मैश ऑफ टेक स्टैक्स डिफरेंट एज एंड व्हेन नीड के कॉन्टेक्स्ट पे आपने उसको बिल्ड किया है, सुपर्ब। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपके ही प्रीवियस क्वेश्चन से कि 360 डिग्री जितने स्टेक होल्डर्स हैं क्रिकेट के, वो सब के सब इसे बेनिफिट किसी ना किसी तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिस जो क्रिकेट लवर है, कल को वो चाहे क्रिकेट देखना चाहता है या इवन क्रिकेटर बनना चाहता है, उस एंगल से भी उसके लिए ये हेल्पफुल है? जी बिल्कुल। हमारा बेसिक पर्पस जो क्रिक स्लैब का है, एट द एंड क्या है कि प्लेयर ग्रूमिंग और उन प्लेयर्स को, उन सारे स्टेक होल्डर्स को आपस में कनेक्ट करना है। लेट्स से वन गाय सिटिंग इन प्लेइंग इन क्वेटा और दूर दराज के इलाकों में पशीन, क्योंकि वी आर इन एवरी सिटी ऑफ पाकिस्तान और दूर दराज इलाकों से भी लोग इसे बेनिफिट उठा सकते हैं और उसके अंदर टैलेंट है। एंड ऑन अदर साइड देर इज़ PCB या PSL, IPL, जितनी भी लीग्स हैं उनको टैलेंट चाहिए। तो वो सारा कुछ जब वो डिजिटलाइजेशन क्रिक स्लैब के ऊपर उसके सारे स्टैट्स आ रहे हैं, उसकी सारी वीडियोस आ रही हैं, लाइव स्ट्रीम आ रही है उसकी, तो वो टैलेंट को कनेक्ट कर रहे हैं विद द ओरिजिनल ऑडियंस जिनको उसकी ज़रूरत है। तो ऑटोमेटिकली ये सारा डाटा हम कलेक्ट करते हैं और वो सारा अवेलेबल है। आप कहीं से भी PCB लेवल पे ऊपर आप चाहते हैं कि आप पूरी क्रिकेट डिजिटलाइजेशन कर दें अक्रॉस द कंट्री, सो इट्स जस्ट मैटर ऑफ वन डे कि आप वन डे के ऊपर PCB अपना पूरा पाकिस्तान डिजिटलाइज कर सकता है क्रिक स्लैब के ऊपर। सो इस तरीके से हर स्टेक होल्डर, क्लब्स हैं, अकेडमीज हैं, वो अपना पूरे प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर क्या होता है, आप टूर्नामेंट खेलते हैं, बच्चे परफॉर्म करते हैं, वो मैनुअल बुक्स के ऊपर अगर काम होता है तो महीने के बाद किसी को भी नहीं पता होता कि उसने पिछले एक महीने में क्या किया था। तो ये सारे प्रोसेस कंपाइल हो रहे हैं, हर प्लेयर की अपनी प्रोफाइल होती है और वो प्रोफाइल लिंक्ड होती है उसके स्टैट्स और उसके वीडियोस के साथ, तो इस तरीके से वो सारा कुछ जो है वो हो रहा है। इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव, माशाल्लाह, वेरी इंप्रेसिव। और इट्स अ नीड ऑफ टाइम एज वेल, मेरा ख्याल है। अच्छा, अब जैसे जैसे ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पे मेल है, फीमेल्स माशाल्लाह लीडिंग इन एवरी अदर डोमेन,
राइट। तो हमारी इसी तरह से जैसे मेल हमारी इंटरनेशनल टीम है, हमारी उसी तरह से फीमेल्स की भी इंटरनेशनल टीम है, तो हाउ अबाउट देम, कि आपने इसमें फीमेल्स कभी को भी कैटर किया है? इज इट लाइक एवरी क्रिकेटर रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग, उसके जेंडर क्या है, उस एंगल से आप कवर कर रहे हैं, इज ओनली फॉर द मेल ओरिएंटेड मार्केट? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है वो हम बिल्कुल बिलीव करते हैं, रिलीजियसली भी और एज ए नेशन भी। और क्रिक्स लैब का पर्पस ही ये है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ पे हम कर रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि मेल डोमिनेंसी है सारी स्पोर्ट्स में भी और सारी चीज़ों में, तो हमने देखा कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि निगलेक्टेड एरियाज़ हैं, जिनको उतनी तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए जितनी मिलती है, जिसमें एक वुमेन स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं। तो स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए हम क्रिक्स लैब डिफरेंट कंपनीज के साथ मिल के कॉन्स्टेंटली इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है। रिसेंटली हमने सीरीज़ में कुछ 4-5 क्या कहते हैं इवेंट्स किए हैं, जिसमें हम अभी ट्राई कर रहे हैं। अभी रिसेंटली वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद किनेट्स कॉलेज, जो कि एक नर्सरी है वुमेन क्रिकेट के लिए। उसके अलावा जितने भी वुमेन कॉलेजेस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको क्रिक्स लैब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं विदाउट गेटिंग एनीथिंग फाइनेंशियली। सो वो सारी की सारी उनको पावर एम्पावर कर रहे हैं, ताकि वो भी उसी तरीके से जिस तरीके से मेल्स जो हैं वो लेते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलती हैं, सारा कुछ मिलता है, तो वो भी विजिबिलिटी उन्हें मिले, उस विजिबिलिटी के ऊपर उनका वो जर्नी जो है वो आसान हो जाए। सो इस तरीके से हम वुमेन के ऊपर काम कर रहे हैं। इस आपने वुमेन का जिक्र किया, इस तरीके से हमारे बाकी हैं, जैसे डेफ क्रिकेट है, डिसेबल्ड क्रिकेट है आपकी, ये सारी क्रिकेट को भी, ये भी सारे सेगमेंट को क्रिक्स लैब इरिस्पेक्टिव के कौन सी क्रिकेट है, हम उनको कैटर कर रहे हैं और उनके साथ जो उन्हें सर्विस दे रहे हैं। वेरी इंप्रेसिव, वेरी वेरी इंप्रेसिव, माशाल्लाह। तो यू कम अप विद अ 360 डिग्री। हमारी ऑडियंस में वो लोग जो टिपिकली प्रोडक्ट बेस्ड करियर को कल को प्रसू करना चाहते हैं, मैं उस बारे में थोड़ा सा उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या मैसेज आप कैरी करते हैं उस हमारे उन रॉ टैलेंट इंजीनियर्स के लिए जो कल को आईटी में प्रोडक्ट ओरिएंटेड कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्लीज़ अगर आप कुछ कहना चाहें। हरुण भाई, बेसिकली सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स दो डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की जर्नी टोटली डिफरेंट होता है। सर्विसेज में होता है आप काम कर रहे हैं, राइट वे आपको पैसे आ रहे हैं, एंड आप वो पैसे उनके फाइनेंशियली सॉर्टेड होते हैं। बट प्रोडक्ट का एक जर्नी ऐसा है, अगर उसमें मैं दो वर्ड्स में उसको बयान करूँ तो वो चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ये दो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आपके इस पूरे जर्नी में बहुत से लो पॉइंट्स भी आते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको होता है रात को आप सोते हैं और कहते हैं यार सुबह इसको बंद करते हैं, लेट्स रैप इट अप, एंड लेकिन फिर जब आप सुबह उठते हैं कि नहीं लेट्स ट्राई अगेन। सो ये वाला एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप चलते रहते हैं, क्योंकि राइट वे आपको कुछ नहीं मिल रहा, और स्पेशली पाकिस्तान आप क्यों कुछ बेहतर हुआ है आपका टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स के लिए कुछ मेंटोर्स भी हैं, सारा कुछ है, बट बहुत कम गाइडेंस है। अभी भी मैं कहता हूँ कि बहुत कम गाइडेंस है, जो यंग जनरेशन आ रही है उनको नहीं पता, और नो वेयर वो शुरू करते हैं, और उनको ये दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि आप इधर प्रोडक्ट शुरू करेंगे और राइट वे 6 महीने के बाद पैसे ही पैसा है और बहुत सक्सेस है और सारा कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। वी स्टार्टेड नाउ राइट नाउ आफ्टर लॉन्चिंग इट्स बीन 3 ईयर्स एंड वी लर्न बाय आर सेल्फ, चीज़ें की फेल हुए की फेल हुए, और उसमें स्पेशली अगर इसमें भी मैं स्पेसिफिक जाऊँ कि जो टेक फाउंडर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो सामो समझ रहे होते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ एवरी थिंग। सो आपने स्टार्टअप ना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाओ और उसी के ऊपर इन्वेस्ट करते जाओ, बाद में जैसे कि खुद ही बिकेगी, ऐसा नहीं है। आपको फोकस करना है सेल्स के ऊपर भी, आपको फोकस करना है मार्केटिंग के ऊपर भी, आपको ही फोकस करना है इन्वेस्टमेंट रेजिंग के ऊपर ही। तो आपको जिस तरीके से जस्ट लाइक क्रिक्स लैब 360 है और आप सारे स्टेक होल्डर को इस तरीके से कवर कर रहे हैं, इस साइड पे भी एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर, आपने ये सारी चीज़ें भी, आपको सेल्समैन भी बनना है, आपको मार्केटर भी बनना है, आपको सारी चीज़ें बननी है जो आपको इनिशियली खुद से ही करनी है, जो कि बहुत इग्नोर करते हैं हम टेक गाइस। तो स्टार्ट में ही इन चीज़ों को भी फोकस करके जो बना रहे हैं उसे सेल भी करना है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो उस साइड पे नहीं जाएंगे तो एक दिन आएगा कि आप कहेंगे लेट्स रैप इट अप एंड डू अगेन सम जॉब और समथिंग एल्स। सो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, और अपने आप को ओपन रखना मार्केट के लिए कि आपने सेल्स एंड मार्केटिंग और उन सारी एरियाज को भी टैप करना है। अच्छा, कोई एक ऐसा चैलेंज जो मैं कहूँ कि आपको लगता है कि उसको ओवरकम करना इज एक्चुअली द सक्सेस ऑफ जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं,
तो वो क्या ऐसा चैलेंज आया जो फेस किया, उसको ओवरकम किया, उस पर कंट्रोल किया एंड नाउ माशाल्लाह सक्सेसफुली ऑन द गो? चैलेंजेस तो बहुत आए, चैलेंजेस स्पेशली जब क्योंकि हम बिल्कुल इनिशियल एक उड़ान बढ़ने वाले थे तो कोविड आ गया एंड कोविड की वजह से पूरी इंडस्ट्री जो है वो आपकी बंद हो गई, सारे ऑपरेशंस, क्योंकि वी आर बूटस्ट्रैप स्टार्टअप और हम खुद से ही सारा कुछ कर रहे थे और कुछ ऑपरेशंस शुरू हुए तो आ रहे थे, तो वो एक बहुत लो मोमेंट था हमारे लिए। तो हमारे पास क्या कहते हैं लाइट से सैलरीज देने के पैसे नहीं थे, तो हमने अपनी टीम इकट्ठी की, उनको इंस्पायर किया कि राइट नाउ वी आर हैविंग नथिंग टू गिव यू गाइस। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने मेरे साथ स्टैंड किया और वो अभी तक हैं। जो स्टार्ट में हमने लोग हायर किए थे आफ्टर 3 ईयर्स वो स्टिल दे आर विद अस। तो वो एक ऐसा चैलेंज था कि जिसमें हमें था कि इसमें सर्वाइव कैसे करना है। तो बात वही आ गई कि कंसिस्टेंसी, आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके साथ आती जाएंगी, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। सेकंडली आपने बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आप इंडस्ट्रीज़ में घुसते हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इटसेल्फ कुछ नहीं है, वो डिफरेंट बिजनेसेस ही हैं जिनके ऊपर आपने चीज़ें खड़ी करनी है। तो उस इंडस्ट्री में जाना, उस इंडस्ट्री के अंदर पेनिट्रेट करना, वो एक बहुत टफ चीज़ थी। आप इनिशियली उठते हैं, यंग हैं आप, 28-29 साल के हैं, और आप जाके किसी 60 साल के बंदे के सामने बैठ के जाके प्रेजेंट करते हैं कि आई बिल्ड दिस थिंग एंड यू हैव टू अडॉप्ट इट, बट वो उसकी उधर से आता है कि वाओ एक गैप है, एक बहुत बड़ा गैप है, कहीं पर भी है। सो वो गैप एक ऐसी चीज़ है जिसको पार करना, जिस दिन आपने वो पार कर लिया उस दिन समझे कि आपकी सक्सेस शुरू होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो गैप बहुत अच्छे वे में स्लो एंड स्टडी समझाया है लोगों को, खुद बताया है कि ये क्या चीज़ है और इससे आपका बेनिफिट क्या होगा। एंड बिलीव मी, जब उन्हें फील होता है कि हमें ये बेनिफिट होगा तो दे अडैप्ट इट। सो वो एक जो चीज़ है ना, वो इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए वो एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे और अपने में ही उसमें रहेंगे कि खुद ही समझेंगे, तो फिर एज अ स्टार्टअप आप फेल हो जाएंगे। गुड, अच्छा दस मेरी तरफ से इससे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि पाकिस्तान में तो माशाल्लाह आपने झंडे गाड़े और आपका नाम इस वक्त लाइक एनी वेयर वेयर क्रिकेट पीपल और एनी वन हैविंग इंटरेस्ट इन क्रिकेट, वो जो कुछ करना चाह रहे हैं वो एटलीस्ट आपके नाम से इस वक्त वाकिफ हैं, यूज़ कर रहे हैं पैसिवली एक्टिवली दोनों केस में, पर वो आपको जानते हैं। इंटरनेशनली इस वक्त आपकी सक्सेस का फैक्टर जो है वो कहाँ स्टार्ट करता है? पाकिस्तान में तो जैसे आपने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन एवरी सिटी, और हर बंदा चाहे वो कॉरपोरेट क्रिकेट है चाहे वो क्लब क्रिकेट है, तो सारे लोग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेशनली 120 कंट्रीज़ में ऑफिशियली अनऑफिशियली हैं हम। वी हैविंग कॉन्ट्रैक्ट विद कुवैत क्रिकेट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, कि उनकी जितनी भी क्रिकेट है डोमेस्टिक क्रिकेट, उनके स्कूल के बच्चा एक बॉल भी करता है तो वो क्रिकेट क्लब के ऊपर होती है, और वो उनके इंटायरली वो पूरा इकोसिस्टम कर रहे हैं। और इवन उन्होंने इससे बेनिफिट क्या उठाया कि जिस लास्ट ईयर वी सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट विद दैम, वी डिजिटलाइज देयर क्रिकेट एंड इन एसोसिएट नेशंस उन्होंने ICC का अवार्ड विन किया, बेस्ट फैन एंगेजमेंट अवार्ड क्रिक स्लैब की बेस के ऊपर। तो इसी तरीके से US के अंदर हम वी आर वर्किंग विद मैनी ब्रॉडकास्टर्स, टी स्पोर्ट्स, जियो सुपर और इस तरह के लोगों के साथ हम अपनी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर रहे हैं। और इंटरनेशनली यूरोप, US, कनाडा, गल्फ, these are the hot markets or we are penetrating well after Pakistan over there. Superb ji, superb, impressive, very impressive. Last question, Kashim Ali Shah Foundation ke bare mein agar aap kuch kehna chahe, kuch chand alfaz. Kashim Ali Shah sahab inspiration of many of us, unki wajah se bahut se log jo maine baat kiya, ye jo journey hai isme kuch na kuch aapko triggering points chahiye hote hain, aap low hain, listen someone जो आपको inspire करे, and I think so Kashim Ali Shah साहब is one of the guy जिन्होंने इस पूरे ecosystem में एक समझें कि रूप फूंक दिया है, और वो सब के अंदर से फिर चीज़ निकलती है कि नहीं I have to do something and I don't have to give up, मुझे give up नहीं करना। so ऐसे लोग Kashim Ali Shah जैसे लोगों की वजह से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें भलाई वाली चीज़ें चल रही हैं, एक्चुअल में ये भी एक सदका जा रही है इन अ सेंस, तो देखा जाए तो इम्प्रेसिव वर्क। और आप जैसे लोग जो कनेक्ट हैं, एंड वी रियली वांट कि हम जैसे लोग सारे कनेक्ट हों और ये एक ऐसा इकोसिस्टम बने कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कोई भी बंदा वो अप्रिशिएट करते हैं कि आइडिया लेके आयो, लेट्स सिट एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो इस तरह का हम पूरा एक इकोसिस्टम बनाए, चाहे वो टेक का है, चाहे दूसरे जितने भी शोबे हैं, तो सब मिल के कलेक्टिवली
ऐसी फाउंडेशन के साथ मिलकर हम इसे आगे लेके चलें। अच्छा उस्मान भी, हमने सक्सेस पे बात की, हमने ऑडियंस पे बात की, फ़ायदा कैसे पहुंच सकता है, टेक्नोलॉजी की भी हमने बात की, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की थोड़ा सा हमें ज़रा फैसिनेशन भी होती है एक, और थोड़ा सा नॉलेज भी है, जनरल नॉलेज भी है कि ओवरऑल स्टैट्स क्या स्टैंड करते हैं, कितना यूज़र इंगेजमेंट है, लाइव यूज़र कितने हैं, कंट्रीज़ कैसे, हमें माशाल्लाह बताया 120+ कंट्रीज़ भी हैं, तो थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स में भी रोशनी डालें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि इस वक्त कितने लोग इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट उठा रहे हैं। सो अगर मैं बात करूँ प्लेयर्स की, तो तकरीबन 150K रजिस्टर्ड प्लेयर्स और वेरीफाइड प्लेयर्स हैं, क्योंकि हमारा OTP वेरिफिकेशन और वो चीज़ होती है। उसके अलावा जो है वो अगर फुटफॉल की बात करें कलेक्टिवली, सोशल मीडिया क्रिक्सलैब प्लेटफॉर्म क्रिक्सलैब, तो तकरीबन 2.5 मिलियन पर मंथ यूज़र्स जो हैं वो हमारे आ रहे हैं और जा रहे हैं। आई मीन कुछ ना कुछ कोई लाइव स्ट्रीम देख रहा है, कुछ अपने मैचेस ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई स्कोरर्स हैं वो स्कोरिंग कर रहे हैं, कोई लीग मैनेजर हैं और लीग्स कर रहे हैं। ओवर 30,000 मैचेस सो फार क्रिक्सलैब के ऊपर हो चुके हैं। अगर मैं उसको भी स्केल डाउन करूँ यूनिट, अगर हम यूनिट की बात करें तो एक बॉल जो हम कराते हैं वो एक यूनिट है, तो उससे 3 मिलियन बॉल्स बॉल्ड हुई हैं क्रिक्सलैब के प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो ये एक बहुत ही इंप्रेसिव स्टैट्स हैं, जो लोग अभी यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो जब हम आएंगे इसके ऊपर तो बहुत रिकग्निशन होगी, क्योंकि क्रिक्सलैब इज़ अ प्लेटफॉर्म, चाहे आप गली क्रिकेट कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट कर रहे हैं, यू कैन यूज़ दैट सिंपली, यू हैव, आज का स्मार्टफोन हर किसी के पास है, ट्राइपॉड के ऊपर आप लगाएं, उसका लाइव स्ट्रीम, आपका गली मोहल्ले का मैच भी ऐसे लाइव स्ट्रीम होगा जैसे इंटरनेशनल मैच होता है, क्योंकि उसके नीचे स्कोरिंग टिकर आ रहा है आपके, उसके अंदर पूरे ग्राफिक्स, मैच समरीज, इनिंग समरीज, जो आप एक इमेजिन करते हैं कि हम भी ऐसे ही दिखें, तो वो कैसे कहते हैं वो सारी चीज़ें, और बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लाइव स्ट्रीम $1 पर मैच, जाते दौर में $1 पर मैच में आप एक जगह पे दिख रहे हैं और खेल रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत मिनिमल की कॉस्ट के ऊपर आप जो है वो सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, वेरी इंप्रेसिव। सो थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब फॉर कमिंग अप फॉर दिस सेशन, शेयरिंग सच एन एक्साइटिंग नॉलेज बेस अबाउट द मोस्ट लव्ड स्पोर्ट इन नॉट ओनली पाकिस्तान, इन एशिया प्राइमरीली। तो जी हमारी जो नाज़रीन है उनके लिए जी आज का जो सेशन था इसमें जो टेक अवे है वो जो मुझे समझ आती है वो कंसिस्टेंसी, आपके नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड देन कीप गोइंग इज़ द 3 थिंग्स विच यू हैव टू टेक अप। और बाकी क्रिकेट के लिए आप क्रिकेट सिर्फ देखें ना, आप क्रिकेट को टेक्नोलॉजिकली भी पर्सपेक्टिव समझें, और जो जहाँ तक ये लेके आए हैं जो 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 आगे प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं वो इसको इससे आगे के लिए एनहांसमेंट्स के ऊपर भी दे कैन वर्कआउट। एंड एज सून एज वी गोना पोस्ट दिस ऑन सोशल मीडिया, उस्मान साहब से लिंक करने के लिए जो डिटेल्स है वो भी इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग इट अप। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर गेस्ट, टिल देन अल्लाह के बाद।